नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है छू लो आसमान में। कल क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये जानना हर कोई चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। ये संभव तब है जब एक साइंस को समझा जाए जिसको हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। और इसी कड़ी में हम मिलते हैं मेघा शर्मा से, जो दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखा रही है। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की तारीख में जिस तरह से हम कहते हैं कि कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, अनिष्ट होता है, लोगों के मन में बहुत सारी निगेटिविटी रहती है, लेकिन आपने जो शोध किए हैं, जो आपने जानकारी हासिल की है, उसको हम सबसे पहले नमन करना चाहेंगे, क्योंकि आज आपने वो मुकाम पा लिया है जिससे बहुत सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये विधा कब आपने अपनानी शुरू कर दी कि मैं मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है? ये मेरा फोर्थ इंटरव्यू है आपके साथ में, और बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है कोर ऑफ माय हार्ट कि आपने वापस से मुझे याद किया। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि शोध यानी रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च जिसे हमने एनर्जी साइंस के साथ जोड़ा, 2007 में जैसा कि मैंने ऋषि संस्कृति से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया, मैं गायत्री पीठ से पास आऊं तो वहां पे मैंने पाम की शिक्षा यानी कि कर्म और प्रधान, मतलब कर्म यानी प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट को अगर हम सही करेंगे तो हमारा फ्यूचर वैसे ही अच्छा हो जाएगा। तो हमने पाम की शिक्षा प्राप्त की, उसके साथ साथ में मैंने हवन की शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे बहुत सारी शिक्षाओं का शोध स्टार्ट किया, इंटरेस्ट इंट्यूशंस लेवल बहुत अच्छा था बचपन से, धीरे धीरे पाम को मैंने रिसर्च में बदला, स्कूल से आना, कॉलेजेस पे बच्चों पे करना, अप्लाई करना, धीरे धीरे वो मेरी हॉबी से कब वो आगे बढ़ता चला मुझे नहीं पता चला। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ी गया। एस्ट्रोलॉजी पढ़ी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी देखिए, एस्ट्रोलॉजी कोई भी सीख सकता है, लेकिन किसी के पास अगर ज्ञान है, ज्ञान ही एस्ट्रोलॉजी। कहते हैं लोग कर्म की बात कहते हैं कि कर्म के बिना कुछ, वगैरह गीता में भी लिखा है भाग्य से ज्यादा, और कर्म नहीं करोगे तो पहले नहीं पाएंगे। इसी तरीके से नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नॉलेज के बेसिस पे ही आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसके साथ वो व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसको हमने रिसर्च करके एस्ट्रोलॉजी में डाला। एस्ट्रोलॉजर आज की दुनिया में बहुत सारी एप्स आ चुकी है, बहुत लोग ऐप से पढ़ लेते हैं, लेकिन रियल में क्या एस्ट्रोलॉजी होती है? डेली प्रश्न कुंडली से, यानी कि अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मान लीजिए बज रहे हैं 2:55 हो रहे हैं, 2:55 हो रहे हैं, तो उसको हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसको हम प्रश्न कुंडली के द्वारा, होरा क्या है, इसका असेंडेंट क्या है, इसका डिसेंडेंट क्या है, कौन सी प्लेनेटरी जो पोजिशन है वो है, कौन सी डिग्री पे ये है, हम उसके थ्रू जान पाते हैं किसी भी व्यक्ति के पास। अगर किसी के पास में मान लीजिए सिर्फ नाम है, तो जिसे हम बोलते हैं केपी पद्धति है, अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम ज्योतिष को जान सकते हैं, हम वैदिक, हम लोग जर्मन एस्ट्रोलॉजी जान सकते हैं। इसके ही साथ साथ में हम अंक ज्योतिष को अल्फाबेटिक के थ्रू भी हम जान सकते हैं। उसी को मैंने कन्वर्ट किया वेस्टर्न पद्धति में। वेस्टर्न पद्धति में अभी जो मैं रिसर्च कम्प्लीट किया है वो मैंने एनर्जी साइंस पे किया, यानी कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव लोगों के साथ मिला, और एक माइंड एक्सपर्ट वर्क हम लोग कर रहे थे। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत विशेष गहन शोध है जिसको हमने स्पिरिचुअल साइंस के साथ कनेक्ट किया है, बहुत अलग, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ। मैं शिक्षा की प्राप्ति की 2-3 साल पहले मैंने अपने मेंटर से, तो क्या होता है एस्ट्रोलॉजी का शोध और किस तरीके से हम उसके ऊपर अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पिरिचुअल साइंस से कनेक्ट कर पाते हैं, अलग अलग दवाइयाँ निकाल पाते हैं कि हमको डायबिटीज़ है, इंसोमिनिया है, हमको फोबिया है, हमको डिप्रेशन है, हमको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटिक हो रहा है, या फिर हम खड़े हुए हैं लेकिन हम खड़े खड़े हमको माइग्रेन का इश्यू हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है लेकिन हम उसको एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे, क्या हमारे मेडिटेशन टूल्स होने चाहिए? तो वो एस्ट्रोलॉजी के साथ, स्पिरिचुअल साइंस के साथ मैंने कनेक्ट किया। तो ये तो थी एस्ट्रोलॉजी की बात, उसको हमने 3 पार्टों में बांटा, माइंड, बॉडी और सोल। तो माइंड के अंदर आ जाता है साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और आपके जितने भी डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग अलग, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, अपने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ये अलग अलग जो पार्ट होता है वो माइंड के चीज़ों से होता है, कलर थेरेपी,
और टर्फ का रीडिंग, ये सब माइंड के ऊपर है। बॉडी को किस तरीके से ठीक किया जाता है वो अल्टरनेटिव मेथड से यूज किया जाता है। इसमें स्पेल वर्ड्स हो गए, कलर वर्ड्स हो गए, एनर्जीज हो गई। एनर्जी वही कहा जाता है कि आंखों से हम लोग सिर्फ आंखों ही आंखों से उसको ऐसा हील कर दो कि जरूरत ना पड़े और कुछ जाने की। हाल फिलहाल में मैंने अभी पूना में ही अपनी बैंकॉक यूनिवर्सिटी से रेकी की शिक्षा प्राप्त की है, जो मैंने 5 साल पहले बहुत सुंदर जर्नी रही और आई बिकम अ ग्रैंड मास्टर और बहुत अलग एक एनर्जी लेवल पाया कि रेकी के थ्रू और प्राणिक थे। ये 3 ऐसी हीलिंग मॉडलिटीज है, रेकी, प्राणिक और डाउजिंग और पेंडुलम और एनर्जी साइंस। अगर इसको हम कनेक्ट करके लोगों को बताते हैं तो अगर हमारे बॉडी में कहीं भी ऐसा पार्ट है तो उसको हील करके, यानी कैंडल्स के भी थ्रू, उसको कलर्स के भी थ्रू, अरोमा थेरेपी के थ्रू उसको हील कर सकते हैं। चाहे वो आपका पैरालिसिस हो या आपका कोई भी कैंसर हो, आपका पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, या आपका कौन सा चक्रा ऑरा के स्कैनिंग के थ्रू इस आपके हाथ से इतना कि आप ऐसे ही देखा जाता है स्कैन करके आपका कौन सा ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपका कौन सा चक्रा एलिमेंट्स के थ्रू। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि इंसान जब पॉपुलर होना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है तो गली में फेमस होता है, फिर धीरे धीरे मोहल्ले में, फिर शहर में। लेकिन आप तो दुबई तक पहुंच गई है, कई कंट्रीज में आपका एक संपर्क हो गया है, ये कैसे संभव किया आपने? सर, आपको पता है बिग बॉस से बता दूं दर्शकों को कि आपने जो जो कहा था वही है। 2014 और 15 तक की मेरी जर्नी की जितना मैंने प्रेडिक्शन किया वो बहुत अच्छा रहा बिग बॉस का, और अभी भी काफी लोग जुड़े हैं बिग बॉस प्रेडिक्शन। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इतना जो विस्तार हुआ है आपका। देखिए, विस्तार मेरा रेकी कैसी पद्धति है, मेरा विस्तार मैं फिर से कहूँगी कि कहते हैं ना, बिना गुरु के आपके लाइफ में कोई ना कोई इंसान होता है। पहले तो आपको खुद से प्यार होना चाहिए और अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं दृढ़ संकल्प है ना, तो भगवान यूनिवर्स एक ऐसी पावर है आपको ऐसा कनेक्शन देती है कि आप उस व्यक्ति से दूर थे और वो आपकी दीवी, उनकी दीवी शिक्षा आपका पूरा वर्ल्ड बन गया। जब मैं आपसे मिली थी तब मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट ही हुई थी, 4-5 साल ही हो गई थी, और आप देख लीजिए हम लोग 2016-17 में कनेक्ट हुए और आज तक कनेक्शन है, ये यूनिवर्सल कनेक्शन है। जब मुंबई आती हूँ आपसे बात करती है 2-3 साल, कई बार आप जयपुर से मिले, कई काफ़ी आपने बताते हैं। सो मेरी ये जो जर्नी है और ये जो विस्तार इसमें हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुहाना। मैं बता नहीं सकती कि मैं जर्नी अब कहाँ, मतलब अभी तो इतना सा मुकाम लिया है, अभी तो बहुत दूर बाकी है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो काफ़ी कुछ करना है, रिसर्च करना है और हर घर में हर इंसान को ठीक करना है, सबको पॉजिटिविटी बतानी है कि नेगेटिव नहीं होना लाइफ में, कभी हार नहीं माननी चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल, स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि इंसान कई बार पढ़ा लिखा इंसान भी ऐसा नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजर, तो हम तो काफ़ी लोगों को अपनी उनकी, लोगों को लगता है कि ये हम लोग पैसा लेते हैं और ये सब, हम उनकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा पे लेते हैं, उनके काम को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए कितना उन पर एफर्ट करते हैं, कितना उनको ठीक करते हैं। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हम भगवान नहीं हैं, लेकिन 99% कुंडली जो होती है सच होती है, क्योंकि कुंडली आपके जो आपका ग्रह है, आप अगर आपकी जो डेथ भी हुई होगी ना उससे पहले की चीज प्रिडिक्ट कर, कर्म प्रधान, कर्म तो प्रधान है ही। लेकिन मेघा जी, सबसे बड़ा एक सवाल है कि क्या अंधविश्वासियों की संख्या ज्यादा है इस देश में? क्योंकि जो भी बाबा आते हैं उनके पास भीड़ लग जाती है। आजकल बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उनको आप किस कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री शास्त्र, जैसे कि उसमें आ जाता है वाद शास्त्र हो गया, बहुत अलग अलग शास्त्र होते हैं, जैसे कि अभी आप हमसे बात कर रहे थे दूरदर्शन शास्त्र हो गया। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट हनुमान जी से जुड़े हुए,
तो वो एक माइंड थेरेपिस्ट है, वो माइंड के ऊपर लोगों की मंशा को समझ जाते हैं पहली चीज। दूसरा उनको एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा, और उनको परिवार में उन्होंने बहुत अच्छी, कहते हैं कि जो हम पास्ट लाइफ सेशंस बोलते हैं तो उसका उनको उनके गुरु का अंश उनको मिला हुआ है, और थोड़ा सा उन्होंने इसमें बहुत अच्छा डिस्टर्ब में साथ दिया। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक छोटी सी उम्र में रिसर्च करना, क्योंकि हम भी रिसर्च करके पढ़े, हम कौन होते किसी को जजमेंटल करने के, वो कैसे, लेकिन हमें जहाँ तक मुझे उनका, मैंने उनका सुना है और उनके बारे में जाना है, तो उनकी कथाओं में हमने देखा है कि नहीं पूछने वाले होते हैं और वो बता देते हैं। बहुत कम लोगों के पास ये देवी शक्ति होती है, जैसे कि हमारे श्री श्री जी का आपने नाम सुना, वो आँखों से हील करते हैं, उसी तरीके से वो पूरी भीड़ में हजार लोगों में अगर उसको बुलाया और उसके बारे में लिख रहे तो ये उनके पास बहुत दोनों। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो कुछ बता पाएंगे? सर अभी आपके मन में प्रेजेंट में चल रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम बाद में आए, थोड़ी सी चीज़ों को हम कैसे बदलें और इसको कैसा जाएगा शो, तो हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं, या हमारे स्टूडियो में क्या क्या कमियां रह रही होंगी तो हम उसको बहुत अच्छे से कर पाए, इंटरव्यू जब लास्ट हो तो बहुत अच्छे से। सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही। और आज की तारीख में बहुत सारे सवाल आते होंगे आपके पास, कुछ सवाल ऐसे बताना चाहेंगे जो वाकई आप इरिटेट भी हो जाती होंगे, लेकिन बताना चाहें सामने वाले को? मैम आपको सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, कल पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था, क्या वो मुझसे बात करें? या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं स्कूल गया था, मैम ने मुझे क्वेश्चन पूछा, आज वो क्वेश्चन मैंने याद कर लिया, क्या दोबारा वो मुझसे वही वाला क्वेश्चन पूछेंगे दूसरा क्वेश्चन? अच्छा तो अगर ये मेरे से बात कर लेंगे मोबाइल पे, इनका मोबाइल कहाँ है, इनके पास में है क्या, इनकी मम्मा के पास है, अगर कोई केस चल रहा है, सो बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एलर्जीज पे आते हैं, वो लकड़ी वो सही जाते हैं। मैंने फिर सीखा था हम भगवान, लेकिन अगर हम इस पीढ़ी में हैं और अगर हम एक ऐसे स्थान पे बैठे हैं तो हम उस एनर्जी को कैच करके अच्छा। मेघा जी, आज देश की स्थिति, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा तूफान का खतरा है, इसको आम आदमी कैसे समझे कि वाकई सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि एक डर है उनके मन में। सही सर, वही मैं आपको कह रही हूँ कि प्रकृति जब बदल रही है तो इंसान तो बदलेंगे बदलेंगे, और इंसान के अंदर खौफ होगा। तो आप सोचिए, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ बिन मौसम बरसात, बट मैं पिंक सिटी राजस्थान से हूँ, आप सोचिए लास्ट 3 ईयर्स से मार्च के टाइम होली के टाइम कभी आपने सुना बारिश हुई? बारिश हुई, प्रकृति बदल रही, प्रकृति यही कली और यही प्रकृति आपको बता रही है कि अभी भी अवेयरनेस ना जाओ। लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, कितना कुछ हुआ, कोविड आया, ओमान आया, कितनी चीज़ें, तो ये जो ये क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, चीज़ें प्लैनेट्स राहु प्लैनेट में पोजिशन चेंज हो रही, तो वो हिलाएगा। अगर अभी भी हमारी जो एनर्जीज हैं, आप जो बोलते हैं ना सही काम करो, सही ढंग से करो, नहीं करेंगे प्रकृति आपको ऐसे, और ये जो डर बना हुआ लोगों के मन में, डरने वाली कोई बात नहीं है, जिसे जाना है वो जाएगा, जो रहना वो रहेगा, डर गया सो मरेगा, चाको राके साई है मार सकेगा। और एक और सवाल बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ है नहीं, कर्म बढ़िया करेंगे तो फल मिलेगा ही अच्छा, क्या उनको क्या कहना चाहेंगे कि वाकई इस पे विश्वास करें, एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो गलत धारणाएं हैं उनके मन में? सर सी, फिर मैं बोलूं, नैतिक शास्त्र ने बहुत सालों पहले लिख दिया था कि कोविड आएगा, एक बुक की, राजा महाराजों ने सीता राम के लिए या रामचंद्र जी को लिख दिया था कि उनको वनवास जाना है, कृष्ण भगवान के लिए बोला गया था कि आपको बंसरी उन्होंने वृंदावन में बचाया, द्वारका में नहीं बचाई, सिर्फ राधा के लिए बचाई, दोबारा उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो कहने का मतलब ये है जो एस्ट्रोलॉजी का पूछा कि ये जो अंधविश्वास की बात कर रहे हैं नहीं,
मैंने सी वही बोला, ये एक एनर्जी साइंस है, अगर इसको आप समझ लिया तो ये बहुत वास्ट चीजें हैं, जैसे डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर और लॉयर, इनको डॉक्टर को भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपना सब कुछ त्याग के उस पेशेंट पे लग जाता है, अगर वो रियल में वो चीजें। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी एक वास्ट है, एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा ग्रिप है जो इंसान के बारे में प्रिडिक्ट करता है। कुछ लोग तो बहुत सालों पहले प्रिडिक्ट कर देते थे, वो एक शास्त्र है और उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। ये बहुत गहरी बात आपने कही कि अपने आप को समझे, ये तो बहुत कुछ पता चलेगा आपको। लेकिन कई बार हम अपने आप को ही छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं और लोगों को कहते हैं अरे बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं लगता है। आने वाले दिनों में आप क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पहुँच है लगातार बढ़ती जा रही है, दुबई में भी सम्मानित हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम साइन बिजनेस क्लब, हमारा एक ऐसा क्लब है जो छोटे छोटे जो लोग होते हैं बिजनेसेस को बहुत बड़े बड़े इसमें लाता है, फाउंडर एंड डायरेक्टर। सो आने वाले टाइम पे मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स लाइनअप है, मेरा स्टूडियो यानी कि सेंटर खोलना है, मेरा अभी हाल फिलहाल नेचुरोपैथी का एग्जाम्स कम्प्लीट हुआ है, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा हिप्नोथेसिस पे इंचार्ज ने बोला कि आपको करना चाहिए, वाइट और वास्ट ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस नॉट अ मैजिक। मेरी अभी क्लासेस हैं लाइन अप कैंडल्स की, बहुत अच्छा एक्सपैंड कोर्स मैं लेके आ रही हूँ, उसके अलावा थोड़ा रिविजन है रेकी वेकी का, और एक एसएस बार कोर्स है वो भी मैं भी थोड़ा सा मुंबई में हूँ तो करूँगी, और मेरी वर्कशॉप्स हैं मुंबई में अभी कॉफ़ी कप रीडिंग्स और टी कंट्रीडिंग्स की। और बस ये है कि मुझे इसमें ही अपना करियर मुझे बहुत वापस लगता है, और मेरे बारे में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तो बस काम करना है, आगे बढ़ना है और अपने देश को अपने माता पिता पर। अच्छा, हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना कि भविष्य के बारे में लोग जानना चाहते हैं, आपने कहा कि बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं जी, तो अगर वैसे लोग जो बीमार हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है वो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कब कैसे कहाँ कर सकते हैं ये भी बताइए। मैं यूट्यूब चैनल पे भी जी, मेरा मेघा एस्ट्रोपाम करके चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा मेघा एस्ट्रो इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, कॉन्टेक्ट नंबर के अलावा आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मैं आपसे नहीं मिल पा रही हूँ, तो अगर आपने एक बार मुझे टेक्निक्स, इसको बोलते हैं टेलीकॉम, मन से याद कर लिया, मन से याद कर आपको लिया, एहसास हो जाता है कहीं ना कहीं से आपका वो चीज बस आएगा, मैं आपको जरूर। चलिए, हम भी दुआ देते हैं आपको, बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि जिस तरह से आपकी यात्रा बढ़ती जा रही है, इसका प्रसार प्रचार तो होता ही रहे लेकिन इसका लाभ जो है आम आदमी तक पहुंचे, और यही आपकी मेहनत का फल होगा। चलते चलते उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत निराश हताश रहते हैं, कुछ करते भी नहीं? खुद से प्यार करोगे तो पूरी दुनिया से प्यार कर पाओगे, खुद से प्यार नहीं करोगे तो पूरी दुनिया से प्यार नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी जर्नी में आज से 3 दिन पहले किसी की पीस और लव, अगर आप खुद से प्यार करेंगे आप सबसे प्यार कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार, और बहुत ज्यादा अगर आप ये 5 हम सब में ही होते हैं। रावण जो था वो बहुत अहंकारी था, लेकिन उसको उसके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन उसने सिर्फ एक चरित्र यानी जो उन्होंने सीता का मारा गया, उसने कितनी शिक्षा। तो मैं कहने का मतलब है घमंड मत कीजिए, हैवीनेस मत रखिए अपनी बॉडी पे, खुद पे वो रखिए, डाउन टू अर्थ रह के काम कीजिए। ये नहीं बोलती कि अगर ये 5 चीज़ नहीं होगी तो वो इंसान भी नहीं होगा, हम में भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी आ जाता है। लेकिन हमेशा अगर आपको लग रहा है आपके अंदर जलन है, ईर्ष्या, ये सब है, थोड़े टाइम के लिए लोगों से डिटैच हो जाए, अपने आप को उनके ऊपर दोषा अर्पण करने से पहले अपने आप, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। मूल मंत्र है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
बिल्कुल, यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ सीधे साधे प्रश्न है, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई कि आने वाले दिनों में भी आपकी जो प्रतिभा है उसका लाभ दुनिया को मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे 24 न्यूज़। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।